कुलभूषण जाधव जिन्हें पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया, उन पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया और फांसी की सजा सुना दी। इस सजा पर फिलहाल अमल नहीं हुआ है, लेकिन उनसे जुड़ा एक झूठ वायरल हो गया है। हमारी आज की पड़ताल उन्हीं से जुड़ी है। क्या है दावा? बात चल पड़ी है कि कुलभूषण जाधव कुछ ही दिन में पाकिस्तान से रिहा होकर भारत आ रहे हैं। कोई पोस्ट 10 दिन बताती है, कोई 8 दिन, और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। साथ में 56 इंच के सीने का जिक्र है। हमने शुरू की इस खबर की पड़ताल। पता चला कि कुलभूषण जाधव के रिहा होने की अभी कोई खबर नहीं है। बात यह है कि जब पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई, तब मीडिया में यह मामला काफी उठा। कुलभूषण के परिवार वाले भी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कई बार मिलने पहुंचे। भारत ने मजबूती से इस फैसले का विरोध किया और मामला हेग की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया। 18 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। तो फिर ये हफ्ते भर वाली बात कहां से आई? दरअसल इस साल 18 से 21 फरवरी के बीच मामले में सुनवाई होनी है। 18 तारीख को भारत अपना पक्ष रखेगा, 19 को पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस बार कुलभूषण के भारतीय जासूस होने के पूरे सबूत कोर्ट के सामने पेश करेंगे, क्योंकि आखिरी बार उन्हें कोर्ट के सामने निराश होना पड़ा था, वो गलत साबित हुए थे। उस वक्त इसे हमारी भारत की नैतिक जीत माना गया था। इस बार होने वाली सुनवाई के बाद क्या होगा, ये अदालत में होने वाली जिरह पर निर्भर करता है। हमारी पड़ताल में पता चला कि कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में हैं। हफ्ते 10 दिन में उनके मामले की हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होनी है, ना कि रिहाई। उम्मीद अच्छी चीज़ है, हम भी उम्मीद करते हैं कुलभूषण जाधव रिहा होकर वापस आ जाएं, अपने परिवार आ जाएं, अपने मुल्क आ जाएं। लेकिन अफवाहबाजी से तो वो रिहा होंगे नहीं, इसलिए इस तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास भी कोई मैसेज आता है जिसकी सत्यता पर आपको संदेह है, तो पड़ताल के लिए उसे भेजिए पड़ताल mail@gmail.com पर।